नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के वैक्सीन के बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टोन शो को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल वाला आइकन को दबा करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज की जानकारी सबसे पहले मिले। तो अभी तक जितनी भी अपडेट आई थी वो तो मैंने वैसे भी मेरे चैनल पर दे रखी है। एक बार अगर थोड़ा सा रिकैप ले तो देखिए, सबसे पहले ये वायरस फैला, उसके बाद इसके इलाज के लिए काफ़ी सारे जो है नए नए तरीके भी सामने आए, जैसे प्लाज्मा थेरेपी, उससे भी इसकी क्योर हो रही है। उसके अलावा एंटीबॉडी टेस्टिंग्स चल रही है और केसेस तो देखिए दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसके वैक्सीन की दौड़ में बहुत ही सारी कंपनियां जो है पूरी दुनिया में लगी हुई है कि सबसे पहले जो है वैक्सीन आए। और जो भी कंपनी अपनी तरफ से सबसे पहले वैक्सीन लेकर के आने वाली है उसको डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया फायदा होने वाला है। तो अब अगर बात करें इसकी वैक्सीन के बारे में, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जानकारी दी थी कि अभी 160 कंपनियां जो है 160 प्लस कंपनीज जो है वो इसके वैक्सीन को बनाने में लगी हुई है और सभी की तरफ से कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट तो आ रहे हैं। और उसके बाद मैंने बताया था कि तीन वैक्सीन ऐसी है जो कि तीसरे फेज में, देखिए पहले फेज में 30-40 लोगों पर टेस्टिंग होती है, दूसरे फेज में 1000 लोगों पर टेस्टिंग होती है और तीसरे फेज में 30,000 या 10,000 प्लस लोगों के बीच में टेस्टिंग होती है। तो अभी एक वैक्सीन है जो कि ऑक्सफोर्ड द्वारा बनाई गई है, एस्ट्राजेनेका। ये जो वैक्सीन है ये अभी तीसरे फेज में पहुंचने वाली है, मतलब कि पहुंच चुकी है। तो अभी जो गुड न्यूज निकल कर आ रही है वो ये है कि इसका जो सेकंड फेज है वो कंप्लीट हो चुका है और उसके सेकंड फेज के रिजल्ट जो आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और बहुत ही बढ़िया है। तो इन्होंने इनकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की और जल्दी ही ये जो रिपोर्ट है साइंटिफिक जो जर्नल होते हैं उनमें भी पब्लिश हो जाएगी। तो इस रिपोर्ट में आखिर इन्होंने ऐसी क्या क्या खास बातें जो है पेश की है, तो सबसे बढ़िया बात इन्होंने जो पेश की वो देखिए, इसके रिपोर्ट्स के जो रिजल्ट है वो काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। इसमें जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है वो काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्ड कर रही है। हालांकि बात करें तो इसको बनाने के लिए इन्होंने कोरोना वायरस जो वैक्सीन है, तो इसको बनाने के लिए इन्होंने कोरोना वायरस को ना लेकर के कोई तीसरा एक और अलग तरीके का वायरस है जिसको एडेनो वायरस बोलते हैं, तो उस वायरस का यूज़ किया है और उस वायरस में ही थोड़े से मॉडिफिकेशन ला करके इन्होंने इस वैक्सीन को डेवलप किया है। लेकिन इससे जो एंटीबॉडीज बन रही है वो कोरोना वायरस को हराने में पूरी तरीके से लगभग कह सकते हैं हम सक्सेसफुल है। तो बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की, तो इनकी भी जांच हुई तो इसमें थोड़ा सा पता चला है कि साइड इफेक्ट्स में इसमें थोड़ा सा फीवर आ रहा है, हेडेक आ रहा है, पेन आ रहा है, लेकिन उसके लिए खुशखबरी ये है कि ये केवल सिंपल पैरासीटामोल टेबलेट्स लेने से ही ठीक हो जा रहा है, तो साइड इफेक्ट्स भी इतने ज़्यादा नहीं है। साथ ही साथ एंटीबॉडीज अच्छी बन रही है। उसके अलावा एक और जो सबसे बढ़िया रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है टी सेल्स के बारे में। तो इसमें बताया गया कि ये जो वैक्सीन है ये एंटीबॉडीज बनाने के साथ साथ ही टी सेल्स भी बना रही है। अब बात करें टी सेल्स क्या होती है, तो देखिए टी सेल्स एक तरीके से वाइट ब्लड जो सेल्स होती है उन्हीं का एक ग्रुप है और एंटीबॉडी जो है वो तो वायरस से लड़ती है, लेकिन टी सेल्स वायरस से लड़ करके उसको बिल्कुल ख़त्म ही कर देती है। टी सेल्स जो है वो कैंसर को भी ख़त्म करने में बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करती है। और टी सेल्स जो है, देखिए एंटीबॉडीज तो बनने के बाद कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन टी सेल्स जो है वो काफ़ी लंबे समय तक रहती है। तो अब यहाँ तक तो रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया है, अब तीसरा फेज जो है उसका इंतजार है, क्योंकि ये देखना और ज़रूरी है और बाकी पड़ रहा है कि ये जो एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है ये आखिर कितने दिनों तक टिक रही है। अगर ये कम दिनों तक टिक रही है तो उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, अगर ये ज़्यादा दिनों तक शरीर के अंदर रह रही है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो उसी हिसाब से आगे डिसीजन होगा कि इसका जो डोज है वो किस तरीके से लिया जाए और कैसा हो जाए। तो अभी सेकंड फेज के रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया आए हैं, अब आशा करते हैं कि जल्दी ही तीसरे फेज के रिजल्ट्स भी आ जाए। इसमें हालांकि अभी टाइम लगेगा, अक्टूबर तक इस वैक्सीन के आने के जो है चांसेस है। साथ ही साथ इंडिया में भी कोवैक्सीन जो है उसके भी ट्रायल जो है ह्यूमन ट्रायल वो भी शुरू हो चुके हैं। तो देखना होगा कि आगे अब हमें इसके बारे में खुशखबरी कब सुनने को मिलती है। तो ये थी इसके बारे में न्यूज़, आपको कैसी लगी ये न्यूज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।